हेलो दोस्तों, राम राम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग अच्छे होंगे। हम यही दुआ करेंगे माता रानी जिससे कि आप लोग सही रहे। माता रानी की दुआ आप लोगों को लगे हमारी तरफ से। आप लोगों का खाना पीना हुआ कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग दोस्तों बताइए क्या चल रहा है, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। दुनिया में आदमी आजकल क्या करना चाहता है? आजकल कोई कैसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। दोस्तों हम हैं यूपी उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से हैं, रहते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश इंदौर पीतमपुर में रहते हैं। टर्नर पीटर का काम करते हैं। वीडियो डाले हैं आप लोग देखे ही होंगे। गांव में रहते हैं तो अपना डीजे लाइन का काम करते हैं। अपना खुद का डीजे है, डीजे का काम करते हैं। यही सब है, कहानी क्या बताएं। चल रहा है गाड़ी आप लोगों की दुआ से। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये आप लोगों से मिलती है। माता रानी की कृपा है, आप लोग सपोर्ट करिएगा। कुछ सोचे हैं आप लोग, अगर सपोर्ट कर दीजिएगा माता रानी की कृपा से, अगर कुछ बन जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे, उस लायक हो जाएंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर उस लायक हो जाएंगे तो हाँ, आप सभी को हम अपने घर बुलाएंगे, घर बनाएंगे तो ज़रूर बुलाएंगे आप लोगों को। अगर उस लायक माता रानी की कृपा से हो जाएंगे, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम ज़रूर बुलाएंगे आप लोगों को अपने घर। सभी को, सभी यूट्यूबरों को बुलाएंगे आप लोगों की सपोर्ट से। अगर हम उस लायक हो जाएंगे जरूर बुलाएंगे आप लोगों को। दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारा प्रियांशु डीजे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल मेरे छोटे बेटे के नाम से है। मेरा नाम संतोष यादव है, चैनल मेरे छोटे बेटे के नाम से है। मेरा नाम असली संतोष यादव है। और बताइए दोस्तों क्या हाल चाल है, कमेंट कर करके ज़रूर बताना। आप लोग कैसे हैं, खाना पीना हुआ कि नहीं ज़रूर बताना दोस्तों। हम तो यही आप माता रानी से दुआ करेंगे, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। देखो आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अपना तो कुछ साथ नहीं देता है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग की दुआ से हम कुछ तक हैं। आप लोग ऐसे ही, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम भी कुछ बन जाएंगे दोस्तों। यही आप लोगों से दुआ है, माता रानी की कृपा है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, यही चाहते हैं दोस्तों। और देख ही रहे हो गांव में क्या चल रहा है, एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं, कोई गिराने को, मतलब ये है कि कोई आपको बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहेगा, आपको टांग खींचने के ही चक्कर में रहते हैं कि ये कैसे कुछ ना कर पाए, गरीब का गरीब ही रह जाए। ऐसा सपोर्ट नहीं करते हैं कि सपोर्ट करें दोस्तों, एक दूसरे का टांग खींचने के रहते हैं कि ये कुछ ना कर पाए, भिखारी हो जाए। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, सबका सपोर्ट करो, अच्छा सोचो, गलत किसी का मत सोचो, सबका अच्छा सोचो। कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अच्छा सोचो, उसका सपोर्ट करो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा सोच यही है कि आप लोग
हम भी यही सोचते हैं कि हम किसी का सपोर्ट करें, लेकिन हम उस लायक नहीं हैं। हम उस लायक होंगे तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जब भगवान बनाया है तो भगवान ही बिगाड़ेगा, इंसान नहीं बिगाड़ सकता किसी का। आज नहीं तो कल वो भी उस लायक होगा, लेकिन किसी को नीचा नहीं सोचना चाहिए। हमारा सोचना ही है किसी को गरीब मत समझो, सबको उस लायक समझो, अपना प्यार दुरा दो सबको। आजकल यही गांव में चल रहा है कि इसको ऐसे गिरा दो कि किसी लायक ना हो, हर तरह से गिराने के लिए सोचते हैं। जलन होती है यार, जलन होती है किसी को। अगर आदमी कुछ करता है, आगे बढ़ता है, तो उसको जलन होती है। साला अपने बारे में नहीं सोचता है कि मैं कुछ करके आगे बढ़ूं, लेकिन उसका देख के उसको इतना जलन होता है कि हम ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका अच्छा चल रहा है, खुश रहता है। नहीं तो दूसरे को खुशी देख के उसको दुख होता है। अरे तुम भी मेहनत करो, कमाओ, मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ो, और दूसरे को खुशी देखकर तुम क्यों दुख हो रहे हो? और खुशी होना चाहिए कि आदमी आगे बढ़ रहा है। ये सब गांव में होता है, पड़ेदारों में होता है, सब गांव वाले जो होते हैं पड़ेदार में होता है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको ऐसा करो कि ये मतलब नीचे हो जाए, कुछ करने लायक ना हो, भीख मांगे, कटोरा लेके, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब भगवान नहीं चाहेगा तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक ऊपर वाला साथ देता है, ऐसा नहीं है सबको देता है ऊपर वाला, गरीब को भी देता है, अमीर को भी देता है। लेकिन थोड़ा है, भगवान अगर गरीब अमीर नहीं बनाएगा तो आदमी किसी को पहचानेगा नहीं, इसलिए किसी को कम देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं भगवान, लेकिन देते हैं सबको, समय समय पे सबको देते हैं, ये नहीं है। लेकिन ये भाई मेरा कहना ये है आप लोगों को दोस्तों कि ये किसी को ऐसा नीचा मत करो, किसी को नीचा मत देखो, सबको एक बराबर देखो। हमारे कहने का मतलब है ये दोस्तों, किसी को कमज़ोर मत समझो। अरे आज वो कर रहा है, तुम भी मेहनत करो, उसका कर्म, वो मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है तब ना आगे बढ़ रहा है, तो उसका देख कर जलन मत करो, उसको देख कर खुश हो कि आदमी कम से कम मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। तो मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ो, किसी का देख के जलन मत करो, किसी को सताओ मत। हमारे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किसी को सताओ मत, कि सबको एक बराबर देखो दोस्तों। हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम भी कमाओ, तुम भी आगे बढ़ो। दोस्तों मेरे साथ यही हो रहा है कि आज हम थोड़े कम कमाने वाले हैं तो मेरे को सब नीचे गिराने वाले हैं, चाहते हैं, मेरे पड़दार हैं, पड़ोसी हैं, बहुत लोग हैं कि सोचते हैं कि ये कुछ ना कर पाए। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। वीडियो लगो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग के सपोर्ट से हम भी कुछ बन जाएंगे, कुछ सोचे हैं दोस्तों। अगर वो मेरा माता रानी की कृपा से अगर मेरा सपना पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को हम सारे यूट्यूबरों को बुलाएंगे, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, अगर उस लायक हो जाएंगे तब आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे दोस्तों। वीडियो को यही एंड करते हैं दोस्तों। हमको थोड़ा बोलने में अभी नया नया वीडियो बना रहा हूँ तो बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। तो आप लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम भी धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे। तब तक वीडियो एंड करते हैं, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए माता रानी की कृपा से। आप लोग वीडियो देख कर ये लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक लिए बाय बाय।